السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة وبركاته. الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. मेरा एक सवाल था शेख साहब कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे हज पर बुलाता है, ऐसा कहते हैं लोग, मगर उसमें मेरे एक पहचान वालों में जिनका सूदी कारोबार है, पूरा का पूरा सूदी कारोबार है, वो गलत काम में मुलव्वस हैं, ऐसे लोग भी हज कर रहे हैं, इनके हज का क्या होगा? वजात फरमाए, मेहरबानी होगी। जी शेख, देखिए, अल्लाह जिसको बुलाता है वही जाता है। इसका ये मतलब है कि बगैर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिखे हुए, मुकद्दर किए हुए दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता है। जो काम भी हो रहा है, जब वो काम हो गया उसके बाद हमें ये पता चल गया कि ये काम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिखा हुआ था। अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। अब मर्जी का मतलब अल्लाह का इरादा और उसकी मशीयत, क्योंकि दुनिया में गलत काम भी होता है तो गलत काम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी नहीं है, उसको मोहब्बत। इसीलिए इरादा की दो किस्में हैं, इरादा कौनिया और इरादा शरईया। तो इरादा कौनिया का मतलब इस दुनिया में जो भी काम होता है सब इरादा कौनिया के तहत होता है, अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। इरादा शरईया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत और उसकी रजामंदी भी शामिल होती है। तो अल्लाह बुलाता है तभी कोई जाता है, इसका मतलब अल्लाह ने लिखा था तो गया, वरना वो नहीं जा सकता था। तो ये तो हर जी चीज के लिए है, तो लिखा हुआ था तो वो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो गया वो मकबूल ही है। जैसे कोई आदमी शराब पिया, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरादा ना हो तो कोई शराब पी सकता है? तो कोई शराबी कहे कि भाई अल्लाह का इरादा था इसलिए मैंने पिया। तो इस दुनिया में पत्ता भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादे और मशीयत के बगैर नहीं हिल सकता, इरादा कौनिया के बगैर। तो ये इसका मतलब है, इसका हज की कबूलियत और अदम कबूलियत से कोई लेना देना नहीं है। जो जी आदमी वहां जाता है अल्लाह के इरादा और उसकी मशीयत के बगैर नहीं जा सकता, इस जुमले का ये मतलब है, जिसको अल्लाह बुलाता है वो जाता है। ठीक है, अगर इसका कोई दूसरा मतलब है तो वो गलत है, मैं यही मतलब समझता हूं। अब कोई आदमी हराम माल लगा करके हज करने जा रहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम काम हराम माल को कबूल नहीं करता है। इन अल्लाह तय्यिबुन ला यक्बलु इल्ला तय्यिबन, अल्लाह रब्बुल आलमीन हराम माल को कबूल नहीं करता है। इसलिए कोई हज पर जाना चाहे तो हलाल साफ सुथरा माल लगा करके वो हज करे। अब बाकी आप ये फैसला किसी के बारे में जाकर मत सुनाइए कि तुम्हारा हज कबूल हुआ है तुम्हारा नहीं हुआ है। कबूल करना ना करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। हम जनरल बात ये बता सकते हैं कि कोई भी इबादत जो आप कर रहे हो अगर उसमें हराम माल लगा करके कर रहे हो तो वो इबादत अल्लाह के यहाँ काबिले कबूल नहीं है।